अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनफो दो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग अपनी वीडियोस में स्मोक इफेक्ट किस तरह ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने वीडियो में टेक्स्ट में स्मोक इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटर को। इसकी मदद से आप लोग अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, अपने ट्यूटोरियल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहाँ से फ्री डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग उस फुटेज या वीडियो को इंपोर्ट कर लें जिसमें आप लोग स्मोक इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉक मीडिया के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है स्मोक। तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा स्मोक इफेक्ट आ जाएंगे, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाले को अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसको ऐड कर देता हूँ और ये हमारे टाइमलाइन पर आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेक्स्ट में स्मोक इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं टाइटल्स के बटन पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में आ जाएं, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट को चूज़ करें और इस पर राइट क्लिक करें और एडिट प्रॉपर्टीज़ के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आप लोग अपना टेक्स्ट ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐड कर देता हूँ इन्फो उर्दू। यहाँ से आप लोग टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ वीडियो के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में आपने यहाँ नॉर्मल से ओवरले पर क्लिक कर देना है। अगर मैं अब आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे ये स्मोक फैलेगा तो हमारा टेक्स्ट विजिबल होता जाएगा। खूबसूरत इफेक्ट है ये, आप लोग अपने वीडियो में जरूर। तो फाइनली आप इसको एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें तो यहां से आप लोग इसकी क्वालिटी को चूज कर सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं और एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके कंप्यूटर हो जाएगी।